नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है MX EXO सीरीज 12 वॉट डुअल पोर्ट USB चार्जर के रिव्यू वीडियो में। नाम थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्या करें भाई, अब जो भी है यही है। तो दोस्तों चलिए इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो दोस्तों बॉक्स का डिज़ाइन अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्रे और रेड कलर में दिया गया है, थोड़ा सा शाइनी। यहाँ पे ब्लैक कलर का चार्जर की भी इमेज है और पीछे की तरफ कंपनी ब्रांड से रिलेटेड इनका कहाँ हेड ऑफिस है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। प्राइसिंग भी दी गई है पीछे 999 रुपीज़, लेकिन 349 रुपीज़ में आप अमेजोन से इसे खरीद सकते हैं। मुझे एक डील बी की तरफ से कूपन कोड मिल गया था, जिसकी वजह से मुझे 244 रुपीज़ में ही ये चार्जर मिल गया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डील है भाई। AMX एक इंडियन ब्रांड है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के चार्जर्स बनाते हैं, ऐसा मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ में देखा था, इसलिए मैंने भी एक ऑर्डर कर ही लिया। तो दोस्तों अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस कुछ दी गई हैं और 12 मंथ्स की वारंटी, ये एक बहुत अच्छी बात है। गुड जॉब AMX इंडिया। और चलिए अब बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ कार्डबोर्ड का बॉक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। AMX की बहुत ही नीट एंड क्लीन लुकिंग ब्रांडिंग और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए भाई अब ओपन करते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे हम। और यहाँ देखें तो स्पंज से यहाँ पे चारों तरफ सराउंड करके दिया गया है कि भाई चार्जर को थोड़ी भी ठेस ना पहुँचे, जो कि बहुत अच्छी टेक्निक है। चलिए साइड में रखते हैं और प्लास्टिक्स को निकालते हैं। दोस्तों इसकी जो पूरी बॉडी है ग्लॉसी प्लास्टिक से बनी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी है और बहुत ही ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है और बहुत ही जल्द स्क्रैचेस भी ले लेगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे जो चार्जर का आउटपुट है वो है 12 वॉट का और जो यहाँ पे दो पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे आपको, तो ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दो पोर्ट्स का यूज़ करेंगे तो स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो ओवरऑल ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी भाई, मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट कहीं भी बना हो उससे क्या मतलब है, अच्छा है। चलिए बात करते हैं इसके चार्जिंग स्पीड की। दोस्तों इसने मेरे ASUS ZenFone Max Pro M1 को 71 मिनट्स में 62% चार्ज किया। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि आइडल कंडीशन में थी, मैं फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने फ़ोन को नेक्स्ट टाइम यूज़ करते हुए चार्ज किया तो यहाँ पे 92 मिनट्स में 67% चार्ज हुआ। तो ये एक 5000 mAh की बैटरी वाला फ़ोन है, अगर इसको इस तरह से चार्ज कर रहा है तो काफ़ी अच्छी स्पीड मैं तो कहूँगा, ओरिजिनल चार्जर के जैसे ही चार्ज कर रहा है। और यूज़ केस में मैं 4G यूज़ कर रहा था, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा था और कुछ YouTube वीडियोस भी देखे मैंने। तो ये ऑल एंड ऑल एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मैं इसे बताना चाहूँगा। और अगर आप मार्केट में 2 एम्पियर या फिर एक 10 वॉट के चार्जर की तलाश में हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होगा। दोस्तों अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया बिल्ड है तो उसे कहा जाता है इट्स बिल्ड लाइक अ टैंक, बट आप टैंक तो ला नहीं सकते एग्जांपल के लिए, तो इट्स बिल्ड लाइक अ ब्रिक मैं कहना चाहूँगा। इतनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है और इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ब्रिक रखा है एग्जांपल के तौर पे। तो जी हाँ, ये था AMX इंडिया के प्रोडक्ट का, AMX के 12 वॉट के चार्जर का रिव्यू। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय।